आज हम लोग सब कलेक्टर ऑफिस में देखे हैं, सब कलेक्टर ऑफिस में प्रजापाली के कई जो आ चुके हैं, खास करके माँ बहन छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं। आइए मिलेंगे। आज हमारे सामने में गिरीश पटेल जी है। सर, ये प्रजापाली बहुत इनका समस्या चल रहा था, एक दो बार रात को ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, इनको नींद भी नहीं आता सर। बेचारे बार बार डर आता है, रात को चमक के भी उड़ जाते हैं कि कब मेरा घर तोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। और नावरी भाई के पास बहुत बार जा चुके हैं, हर तरफ जा चुके थे, अभी तक इनको कोई सहारा नहीं मिला, इनके लिए क्या करेंगे आप? जरूर, ये बहुत दुखदायक बात है। कल भी कुछ परसों कुछ आदमी आए थे प्रजापाली के मोजा से, कुछ एक जगह में रहते हैं। दुख की बात है, उसको सिलिंग का जमीन मिला है, वहाँ पे चौको वाले आ रहे हैं, उसको कुछ दूसरा जगह नहीं मिला, लेकिन जबरदस्ती उठा रहा है, वो एक बात है। आज फिर वही प्रजापाली का कुछ आदमी यहाँ पे बंधु भाई बहन माता जी लोगों ने यहाँ पे आए हैं, उसी भी वही समस्या है। वो वहाँ पे गौचर जगह में है, अब उसको नोटिस 15 दिन का, जैसा देवासी से बता रहे थे, 15 दिन का नोटिस पहले इशू हुआ है, कल नोटिस दिया है। सब गरीब दुखी है, रोजगार वाले हैं, हैंड टू माउथ है, कमा के खाते हैं लोगों। इसकी समस्या को दूर नहीं करके, इसकी समस्या को दूर नहीं करके उल्टा कल या परसों लोगों के पास में गए हैं, जब उसको उठाना ही है वहाँ से, फिर आप 1200-1500 रुपये फाइन लिए हैं। तो इससे बड़ा निर्दय कोई होता है क्या? आदमी के पास में खाना का नहीं है, वो अपने जैसा भी करके 1200-1400 रुपया दे रहे हैं उसको, वो उसको फाइन लिया कि टैक्स लिया, बेचारे को क्या मालूम दिए हैं, उसके बावजूद भी उसको कल नोटिस दिया कि तुम लोग यहाँ से उठो बोल के। और दुखदायक बात है, प्रशासन को समझना चाहिए, अपने किसी को रोजगार नहीं दे सक रहे, किसी को अपने व्यवस्था नहीं कर सक रहे, कम से कम जो व्यवस्था में उसको असुविधा नहीं करे। अगर वहाँ पे कुछ अच्छा चीज बनने वाला है तो जरूर सरकार बना है, उसमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो 80 परिवार है, 80 परिवार को कहाँ पे सेटल करके उसका व्यवस्था किया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो इसका डिमांड को भी सरकार सुन नहीं रहा है। ये लोग बार बार आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान, नोटिस पर नोटिस, जो कि टैक्स भी होल्ड, कई प्रकार टैक्स भी सरकार को दे चाहिए। इसके लिए अभी आप क्या करेंगे बताइए सर? मुझे क्या करेंगे, इन लोगों कैसा बचेंगे? मुझे तो कल पहली बार पता चला है ऐसी ऐसी घटना है बोल के, और मैंने कहा था कमिश्नर के पास जाएंगे, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर के पास जाके अपने बात करेंगे बोल के, लेकिन ये लोगों ने यहाँ पे आ रखे। कोई बात नहीं है, हमारा आपको मालूम है कल पार्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आज कल दो दिन जाने दीजिए, उसके बाद में फिर पार्टी के बाद जो नेतृत्व के साथ बैठ के विचार करके तो कैसे किया जाए, वो मेटल को टैकल करके आगे। सर, ये तो विधायक के पे बार बार जा चुके हैं, बोले तुम चलो आमे दखमा, चलो चलो दखमा खाना आवा, खाली दखमा चलो, मतलब है ना, भागो मतलब चलो मतलब चलो चलो, ऐसा नहीं है। अभी काम में व्यस्त है, वो भी नवरी भाई भी साथ में हो, नवरी भाई भी साथ में आएंगे, सब जाओ मिल के जाएंगे। मैंने क्या कहा, पार्टी का नेतृत्व बैठ के विचार करके उसको कैसे सेटल किया जाए, उसे विचार करेंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद। अभी हमने गिरीश पटेल से बात सुनी सर, एक मिनट, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम लोग जो है इनको उठने नहीं देंगे, निष्पत्ति लेंगे पार्टी की तरफ से, इनका सहारा हम बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्यों जो आपके वहाँ के विधायक आप, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप, सब कुछ आपके पास कानून, अब इनको और अब यदि आपका विधायक उठ गए तो इनको क्या विश्वास रहेगा पार्टी पर? मैंने क्या कहा आपको, मुझे कल बात का पता चला है हम लोगों को, और हमको सब कल के प्रोग्राम के लिए व्यस्त है। कल का प्रोग्राम खत्म होगा, अपने जो विधायक जो है, अपने दोनों विधायक है, अपने एमपी भी है, वो पार्टी का नेतृत्व में बैठ के विचार किया जाएगा, प्रशासन के साथ में इसको किस लाइन में टैकल किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गिरीश भाई ने भी बड़ी बात की, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम हैं तो गम नहीं है, आपका गम वो गिरीश भाई ले रही है, बाकी सब काम आप लोग संभालो। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।